काल का गाड़ी हो जाएगा। बच्चों का भीड़ लग चुका है। क्या वो तुम लोग पानी देखने आया है? देख सकते हैं दूर दूर से आता है पानी देखने के लिए यहाँ पे। अगर मूवमेंट खराब हो गया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इतना मूवमेंट खराब है कि गाइस आज रात भर हम लोग नहीं सोए हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो घर बनाया हुआ है बहुत मेहनत का और आप लोगों के आशीर्वाद से बनाया हुआ है ये घर। हम लोग अभी खड़े हैं बांध पे और ये महानंदा बांध पड़ता है जो कि धवल गांव में पड़ता है। और सुबह से शॉर्ट वीडियो चार मेरा चले गया है, शायद आप लोग देखे भी होंगे। तो अब ये डलेगा लॉन्ग मेरा। तो विभाग के तरफ से यहाँ करोड़ों रुपये का फंड हर बार होता है, लेकिन वो कमाई का जरिया है। हर बार कमाना है, हर बार काम करना है, तभी तो पेट चलेगा उन लोगों का ना। तो बिहार का सिस्टम ही गड़बड़ है। अभी आपको यहाँ का मूवमेंट दिखाते हैं कैसा है। लगभग मेरे ख्याल से रात से लेकर अभी तक में 10,000 आदमी से ज़्यादा आ चुका होगा यहाँ पे। तो हम दिखाते हैं आपको यहाँ नदी का मूवमेंट कैसा है। देख रहे होंगे यहाँ पे कि पानी का भंवर चल रहा है पूरा। ये पता नहीं चल रहा है कि कटाव हो रहा है या क्या हो रहा है। अगर सही से काटना शुरू करेगा तो 2 से 3 घंटे का काम है यहाँ पे, क्योंकि 12 बजे के बाद से पानी का खेल शुरू होगा। बिराज में पानी कल निकला है वहाँ से 3 बजे, तो आने में 27 से लेकर 30 घंटा लगता है वहाँ से। तो आज फिर 12 बजे के बाद से पता चलेगा पानी कितना आएगा, 2 फीट 4 फीट 5 फीट जो भी लेयर में आए, तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मूवमेंट यहाँ का बहुत गड़बड़ सरबर है। और जस्ट इसी के पीछे हम लोगों का घर है। यहाँ से जैसे ये पकड़ के जाएंगे पीछे जस्ट मतलब 200 मीटर पे मेरा घर पड़ता है। शायद 10-15 लाख रुपये खर्च किया हुआ मेरा घर भी चले जाएगा। हम जस्ट अभी नदी से 3 फीट की ऊंचाई पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, देख रहे हैं, मात्र 3 फीट की ऊंचाई पे हैं। पानी का मूवमेंट आप देख सकते हैं किस तरीके का है। पानी का स्पीड लगभग हमको लगता है 25 से लेकर 26 किलोमीटर की रफ्तार में होगा पानी का स्पीड अभी। और यहाँ से आगे से लेकर टर्निंग, अगला बार 2017 में वहाँ कटा हुआ था, वो जो सामने दिख रहा है आपको बांध, वो जो घास नज़र आ रहा है वहाँ कटा हुआ था। एक कटाव वहाँ था और एक कटाव यहाँ पे था, 2 कटाव था यहाँ नज़दीक नज़दीक में। तो नेक्स्ट भागलपुर के बाद अब हमको लगता है कटिहार ज़िले का बाढ़ आ चुका है। ये जो जहाँ अभी ये कटाव हो रहा है, ये कटाव बंगाल बिहार को जोड़ता हुआ है। भागलपुर तो बर्बाद ही हो गया, अब है कटिहार ज़िले की बाड़ी। कटिहार के बाद बंगाल का बाड़ी हो जाएगा। बच्चों का भीड़ लग चुका है। क्या वो तुम लोग पानी देखने आया है? देख सकते हैं दूर दूर से आता है पानी देखने के लिए यहाँ पे। अगर मूवमेंट ख़राब हो गया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बांध पे देख रहे होंगे पूरा भीड़ लगा हुआ है गाड़ियों का। ये है बंगाल से आ रहे हैं ज़्यादातर आदमी यहाँ देखने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पर लगे रहिए, अपडेट आप लोगों को हर 2 घंटे के बाद मिलता रहेगा। अभी हम वहाँ से आ कर के यहाँ टर्निंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं। एक यहाँ नोज बना हुआ है, आप देख सकते हैं पानी यहाँ से ऐसे करके यहाँ भी घूमता है, ऐसे करके घूम करके टर्निंग होता है और जस्ट ये नोज पे खड़े हैं।